है मेरी साइकिल और आज रिलीज हुई है मट्टू की साइकिल, जिसमें आपको दिखेंगे डायरेक्टर एक्टर प्रकाश झा, उनके साथ आरोही शर्मा और अनीता चौधरी, और इसे डायरेक्ट किया है एम गनी ने। माई साइकिल अरे तेरी फटफटिया ने मरवा यार, हम तो चल दिया। और भाई कितना देती है? अब मट्टू की साइकिल कहानी है, मट्टू और उसकी साइकिल की। मट्टू साइकिल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, उस पर वो बैठ के शहर जाता है, वहाँ काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, पैसे कमाता है और अपने परिवार का पेट पालता है। फिर एक दिन मट्टू की साइकिल गई टूट, मट्टू गया टूट, नई साइकिल लाएंगे क्या मट्टू, कुछ कर पाएंगे? यही है फिल्म की कहानी। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस फिल्म को दिए 3.5 स्टार्स और वो कहते हैं कि फिल्म गाँव की तरह बिल्कुल धीमी और स्लो रफ्तार से चलती है, और इस फिल्म में जो लोकल भाषा है उसे एक्टर्स बहुत ही फर्राटेदार तरीके से बोलते हैं, और अगर आप ये फिल्म थिएटर में बैठ के देख रहे होंगे तो अपने बगल वाले से जरूर ये सवाल पूछेंगे। अच्छा बोले क्या ये? मार खाओगे? पर साथ ही इस फिल्म में गांव की हार्श रियलिटी भी दिखेंगी, जैसे कि बेकार सा एजुकेशन सिस्टम, साफ पानी का अभाव, मेडिकल और बिजली सेवाओं का ना होना, ये सब है इस फिल्म में। और साथ में है प्रकाश झा की कमाल की एक्टिंग, जो इस फिल्म में 4 चांद लगा देती है। NDTV के साइबल चैटर्जी ने इस फिल्म को दिए 3.5 स्टार्स और वो लिखते हैं कि सांड की आंख और जय गंगा जल के बाद दिखे हैं इस फिल्म में, और काफ़ी बेहतरीन काम किया है प्रकाश झा ने। फिल्म से डेब्यू करने वाले डायरेक्टर एम गनी की ये फिल्म आप पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ेगी, काफ़ी ऑथेंटिक लगती है, और बड़े सादे और सटल तरीके से बनाई गई ये फिल्म इंडिया की अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स की हालत दिखाती है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को दिए 3 स्टार्स। चलो ढोल वाले बैंड बाजा लेके आ जाओ। शुभ्रा कहती हैं कि कुछ हिस्सों में फिल्म बड़ी फ्लैट नजर आती है, बट ओवरऑल काफी शार्प रहती है फिल्म और अपना संदेश ऑडियंस को बता देती है। और फिल्म देखने के बाद आपके जहन में कुछ सवाल जरूर आएंगे, जैसे कि 75 साल हो गए हैं हमें आजाद हुए, क्या उसके बाद भी गांव में ऐसी हालत है? और एक इंसान जो कि साइकिल पर बैठकर दूर शहर तक जाता है, डेली पैसे कमाकर वापस लाता है, अपने परिवार का पेट भरता है, क्या वो पैसे जमा करके साइकिल खरीद पाएगा या नहीं? बाकी इस फिल्म की जान है प्रकाश झा, जिन्होंने पहले बहुत सारे सपोर्टिंग एक्ट्स किए हैं, पर इस बार वो मेल प्रोटैगनिस्ट का रोल कर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इंडिया टुडे की ग्रेस सिरिल ने इस फिल्म को दिए 2.5 स्टार्स और वो लिखती हैं कि इस फिल्म की कहानी एक गांव में रहने वाले इंसान की ज़िंदगी के बियॉन्ड नहीं जाती है, ना कोई ट्विस्ट है, ना ही कोई ड्रामा है, और काफ़ी प्रिडिक्टेबल सा क्लाइमेक्स है। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी स्लो है, लिखाई थोड़ी बेटर हो सकती थी, और जो इस फिल्म में डायलॉग्स बोले गए हैं वो शायद मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को समझ ना आए, और वो शायद ये कहते मिले अपने बगल वाले सीट से। चाचा बोले क्या ये? और सिनेमाटोग्राफी वो कमाल की है, और जो एक्टिंग की है प्रकाश झा ने वो लाजवाब है। 2.5 स्टार। तो ये थी फिल्म मट्टू की साइकिल पर समीक्षकों की राय। वैसे इस फिल्म के साथ 3 और फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें से पहली है सरोज का रिश्ता, दूसरी सिया और तीसरी है मिडिल क्लास लव। तो इनमें से कोई भी देख के आइए और थिएटर में ही जाइएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओए कैमरे वाले, तेरा माइक गया, पीछे आ जा लेना।